लेकिन द्वारका से एक ऐसी घटना सामने आई है जिससे हर कोई हैरत में, जहां डीडीए फ्लैट के बाहर डिलीवरी बॉय को एक महिला से पता पूछना ही भारी पड़ गया और महिला ने डिलीवरी बॉय पर चाकू से हमला कर दिया। हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। काफी देर तक महिला हाथ में चाकू लेकर वहां हाई वोल्टेज ड्रामा करती रही और ये महिला चाकू दिखाकर सबको डराती रही। महिला पुलिस आए तो बताया जा रहा कि महिला पुलिस आए तो ये पुलिस से भी उलझ गए और पुलिस से भी इसने हाथापाई शुरू कर दी। महिला को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी महिला 42 साल की बताई जा रही है और वो सोसाइटी में ही किराए के मकान में अकेली रहती है। एक डिलीवरी बॉय ने पता पूछा तो उसके हाथ में चाकू और उसने चाकू से हमला कर दिया। ये वो तस्वीरें जो स्कूटी से आया है डिलीवरी बॉय, देखिए वो पता पूछता है और ये महिला आती है और ये हमला कर देती है और इसके बाद देखिए वो चाकू लहराती भी है। इसके बाद बताया जाता है कि महिला पुलिस को बुलाया जाता है तो महिला पुलिस से भी ये महिला उलझ जाती है। ये वो तस्वीरें सिर्फ पता पूछने पर। द्वारका के डीडीए कॉम्प्लेक्स का ये मामला बताया जा रहा है, डीडीए सोसाइटी है जहां पर ये महिला इस तरह से हमला कर देती है। आसपास लोगों की मौजूदगी भी है, आप देखेंगे कि एक महिला और कुछ और लोग भी आसपास में खड़े हैं। ये महिला जिसको हम आपको सर्कल करके दिखा रहे हैं, ये महिला आती है और ये देखिए जैसे वो एड्रेस पूछता है वो उसके हाथ में चाकू होता है और चाकू से हमला कर देती है। महिला हाथ में चाकू लेकर बाहर घूम रहे हैं, ये अपने आप में सवालों में है और सिर्फ पता पूछने पर इसने सीधा हमला कर दिया। अगर आप इन तस्वीरों को और ध्यान से देखेंगे तो आप ये भी समझेंगे कि ऐसा भी नहीं, महिला दूसरे डायरेक्शन से आ रही है और ये शख्स दूसरे डायरेक्शन से है और वो सिर्फ पता पूछते और इतने में वो हमला कर देती है।